मोस्ट वेलकम टू आर सुषमाज किचन। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पोटैटो चीज स्टिक्स। तो देख सकते हैं ये कितना सुंदर और कितना लाजवाब बना है हमारे ये पोटैटो चीज स्टिक। इसको देखकर ही आपके मुंह में पानी आ रहा होगा। ये इतना लाजवाब बना है। ये रेसिपी जो है ये हमारी चाय के साथ खाने के लिए या शाम के टाइम में नाश्ता के टाइम खाने के लिए बहुत ही परफेक्ट रेसिपी है। तो चलिए देखते हैं हम इसे बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले लेना है हमें उबले हुए आलू और उसे हमें अच्छी तरह से मैश कर लेना है और इसमें 1/4 कप हमें कॉर्नफ्लावर डालना है और उसमें स्वाद के अनुसार नमक। फिर सबको हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। सॉरी, अब हमें इसमें चीज़ भी ग्रेट करके डाल देना है। चीज़ डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो हमें सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। फिर उसके बाद अगर आपके हाथ में हल्का चिपक रहा हो तो आप हल्का सा हाथ में ऑयल लगाकर अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद अब हमें इसे ऊपर से हल्का हल्का तेल लगाकर 5 से 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देना है। तब तक हमें गैस पर एक कढ़ाई चढ़ानी है, उसमें हल्का सा तेल गर्म करना है। यहाँ पर हमें कोई भी सरसों का तेल यूज़ नहीं करना है या कोई भी परफ्यूम वाला ऑयल यूज़ नहीं करना है। यहाँ पर हमें सिर्फ रिफाइंड ऑयल का यूज़ करना है। उसके बाद अब हमें इसे छोटे छोटे लोइयों में निकाल लेना है और प्लेटफॉर्म पर थोड़ा सा ऑयल लगाने के बाद इसे हमें रोल रोल करते हुए जाना है। देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें इसका रोल रोल करते जाना है एकदम छोटे छोटे पीसेस में। तो अब हमें इसे गर्म तेल में डालते चले जाना है, इसे फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमें इसे पकाना है गोल्डन ब्राउन होने तक। उसको छानने के बाद हमें एक अलग प्लेट में निकाल लेना है। अब आप इसे लाल चटनी या फिर हरी चटनी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।